है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका मेंटर दीपक सोलंकी, और आज का जो वीडियो है इज टोटली डेडिकेटेड टू गूगल एड्स। गूगल एड्स से पैसे कैसे कमा सकते हैं हम लोग, इस वीडियो के अंदर इस बात हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात यह है दोस्तों कि आप लोगों ने सुना होगा गूगल एड्स का यूज़ हम लोग मोस्टली कहाँ पे करते हैं। आपको अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, कोई आपको प्रोडक्ट सेलिंग करवाना है, या फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है, जैसे व्यूज़ लेने हैं, एंगेजमेंट लेनी है, सब्सक्राइबर्स लेने हैं, ETC, है ना। इन सब में हम लोग गूगल एड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हम गूगल एड्स से पैसा भी कमा सकते हैं? तो पैसा हम लोग कैसे कमा सकते हैं जेन्युइनली? जैसे मैं खुद गूगल एड्स से काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। अब मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो की लिंक मिलेगी ऊपर आई बटन में, या फिर वीडियो के एंड में जो एंड कार्ड्स होते हैं वहाँ पे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे प्रूफ भी आपको बताए हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो गूगल एड्स से, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, जब भी आपके सामने ये बात आती है कि हम लोग गूगल एड्स से पैसे कमा सकते हैं, तो जनरली एक नॉर्मल ऑडियंस के मन में कुछ सवाल आते हैं। उन सवाल को मैंने पहले से अपने मोबाइल में लिख रखा है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है मन में कि भाई पैसे कैसे कमा सकते हैं। दूसरा ये आता है गूगल एड्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा आता है कैसे सीखेंगे इन सब चीज़ों को। चौथा आता है कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। और पाँचवा आता है कि हम लोग अपने क्लाइंट से पैसा जो है कैसे चार्ज करेंगे, किस बुनियाद पे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो एकदम हम लोग वन बाय वन करके इन सवालों पे आते हैं, एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए, गूगल एड से पैसे कमाने हैं, इट मीन्स यू हैव टू सेल योर सर्विसेज। आपको अपनी सर्विसेज सेल करनी रहेगी। अगर आपको गूगल एड्स का नॉलेज है, गूगल एड्स आपको अच्छी तरह से आता है, तो आप अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं। आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी उनके गोल अचीव करने में, और जब उनके गोल अचीव होते हैं सो आप अपना चार्ज उनसे वसूल कर सकते हैं, पैसा उनसे ले सकते हैं, ठीक है। और वो हंसते खेलते देंगे क्योंकि उनका फायदा हुआ है। ऑलराइट, तो पहले क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया कि आपको गूगल एड्स सीखना पड़ेगा एंड यू हैव टू सेल योर सर्विसेज। सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि गूगल एड्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एड सर्विस का एक ही पर्पज होता है, बिजनेस करना, ठीक है। आपको अपने क्लाइंट को बिजनेस करने में हेल्प करनी रहेगी। अब बिजनेस कोई भी हो सकता है, कोई टीचर है तो अपना कोर्स सेल करवाना चाहेगा, या फिर अपने चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ लाना चाहेगा। मान लीजिए कि कोई किसी बंदे के पास अपने मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन सेल करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, चीज़ों को सेल आउट करना, सेल्स जनरेट करना, ब्रांड के लिए अवेयरनेस जनरेट करना, मान लीजिए कोई कोर्स वगैरह के प्रति लोगों को समझाना है, बताना है, तो ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। एजुकेशन के लिए गूगल एड्स का यूज़ कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो कुछ चीज़ें जो आपको पता है। अब मतलब बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। जब आप गूगल एड्स को एकदम डीपली ऑब्जर्व करेंगे, आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार इतनी सारी चीज़ें हम लोग गूगल एड्स से कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल के पर्पज़ से बात करें, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर आप गूगल एड्स से सब्सक्राइबर्स लेके आ सकते हो, व्यूज़ लेके आ सकते हो, इंगेजमेंट लेके आ सकते हो, लाइक्स डिसलाइक्स जो कुछ चाहो आप गूगल एड्स से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हम लोग गूगल एड्स से कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैसे सीखेंगे हम लोग ये सब चीज़ें, कहाँ से और कैसे सीखेंगे, क्या इसका पैसा लगेगा। देखिए, सीधी सी बात है, दुनिया में सबसे बड़ा टीचर कौन है अभी प्रेजेंटली? YouTube है भाई। YouTube पे सब कुछ पॉसिबल है। जो आपको पेड आप 1500 रुपये लेकर के सीखेंगे ना, तो वो सब चीज़ें आपको YouTube पे पहले से ही मिल रही है। बस आपको इतना सा करना है कि आपको वहाँ पे ढूंढना रहेगा, ठीक है। लेकिन अब आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं Google Ads खुद सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं जितनी तरीक़ों से अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देता हूँ और मैं पैसे कमाता हूँ, मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, इसके लिए आपको ये वाले वीडियो देख लेनी है। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि मैं पैसे किस तरह से कमा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट्स को किस तरह से अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं। मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ अभी, ठीक है ना, एकदम फ्री कोर्स है, यूट्यूब पे ही आएगा, ठीक है। लगभग 8-10 वीडियोज़ का कोर्स रहेगा। इसमें मैं आपको गूगल एड्स एकदम डिटेल में सिखाऊंगा, एकदम तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा मैं जो भी सिखाता हूँ सिखाता बड़ा एकदम डिटेल में तफ्तीश के साथ सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको कैसे सीखेंगे इस चीज़ को आपको भूल जाना है। फोर्थ क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ टू फाइंड योर क्लाइंट्स, आपको अपने क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। अब देखिए, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? देखिए, ओबीसी बात है, क्लाइंट्स आपको ढूंढने पड़ते हैं, क्लाइंट्स आपके पास आते नहीं हैं। आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ता है, आपको अपने आप की मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अपने आप की मार्केटिंग के लिए भी आप गूगल एड्स का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप की मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो ओबीसी बात है आपके पास क्लाइंट्स नहीं आने,
ठीक है। तो मार्केटिंग कैसे कैसे करेंगे, खुद की मार्केटिंग खुद ही करेंगे गूगल एड्स के थ्रू, कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा। एक सेकंड तरीका जो मैं बहुत बार यूज करता हूं वो है इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स का। देखिए मैं आपको प्रूफ देता हूं, जैसे ये मेरा फेसबुक का जो बिजनेस अकाउंट है, एड मैनेजर अकाउंट है वो वाला है, मैंने इसमें अपने लिए कुछ एड्स लगाए थे। ये अकाउंट जो है ये क्लाइंट्स के लिए नहीं है, ये मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट अपने पर्सनल एड्स के लिए ही है। मैंने इसमें ऐड लगाया था जिसमें 8662 लोगों तक रीच पहुंची थी और 985 रुपये मेरे लगे थे और 49 मैसेजिंग कन्वर्जेंस आए थे, यानी कि 49 लोग जो मेरे काम में इंटरेस्ट लेते थे उन्होंने मेरे को मैसेज किया था और इन 49 में से मैंने 3 कन्वर्जन निकाले थे। 3 कन्वर्जन का मतलब 3 लोगों ने मुझसे काम लिया था। तो देखिए यहाँ पे मेरा खर्चा जो आया है वो जीएसटी लग के लगभग 1200 रुपये का समथिंग पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18% जीएसटी भी लगती है, तो लगभग 1200 रुपये मैंने यहाँ पे खर्च किए थे और वहाँ पे मेरे 3 कन्वर्जन आए थे। उन 3 कन्वर्जन से मैंने लगभग 1200 रुपये लगा के लगभग मैंने 10,500 रुपये की इनकम की थी, ठीक है, महज 2 दिनों के अंदर। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। उसके बाद मैंने एक और कन्वर्जन लगाया था मैसेज के लिए ही, वहाँ पे मेरे 847 रुपीज लगे थे जीएसटी के सहित, लगभग 1000 रुपये पहुंच जाएंगे। वहां मेरे 54 कन्वर्जन आए थे और मैसेजिंग कन्वर्जन आए थे, इन 54 में से लगभग 7-8 मेरे क्लाइंट्स बने गए थे यहाँ के, लेकिन यहाँ मेरी कमाई ज्यादा नहीं हुई थी। इन 8 क्लाइंट्स से लगभग मिला के मेरे को लगभग 6 या 7 हज़ार के आसपास ही कमाई हुई थी। नॉट बैड एट ऑल, फिर ये बुरा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। मैं आपको फेसबुक वाला ये काम भी सिखाऊंगा कि आपको अपने क्लाइंट ढूंढने कैसे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाउ टू चार्ज योर क्लाइंट्स। आपको अपने क्लाइंट्स के लिए, आपको अपने क्लाइंट्स को चार्ज कैसे करना है, आपको अपने क्लाइंट से पैसे कैसे निकलवाने हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पहले तो आपको समझना रहेगा कि आपका क्लाइंट को नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरे वीडियो के ऊपर व्यूज चाहिए, सिर्फ मुझे क्या मतलब, सिर्फ व्यूज से मतलब है और कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आपको व्यूज से मतलब है तो गूगल एड से बहुत सस्ते में आप लोग व्यूज लेके आ सकते हो। अगर आप लंबा एड रन करते हो तो मान के चलिए कि आप गूगल एड से लगभग 4 या 5 पैसे का एक व्यू लेके आ सकते हैं, ठीक है, अगर नॉलेज अच्छी खासी हो तो ही, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा बाकायदा। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज हो तो आप आराम से 4-5 पैसे का एक व्यू लेके आ सकते हो, ठीक है। मैं व्यूज की बात कर रहा हूँ, ये अनटारगेटेड व्यूज चाहिए, ये टारगेटेड ऑडियंस व्यूज नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए क्या प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो पंजाब और लुधियाना वगैरह इस इलाके से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे आपको पता है कि पंजाब वगैरह जो एरिया है ना, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, ये वाला जो एरिया, यहाँ पे म्यूजिशियंस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको अपने म्यूजिक वीडियोज़ के ऊपर 5 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन तक व्यूज़ ये लोग लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनको क्या हाइप क्रिएट करनी रहती है। तो अगर इनको हाइप क्रिएट करनी तो इनको व्यूज़ चाहिए इंस्टेंटली, तो ये लोग क्या करते हैं, मुझसे व्यूज़ खरीदते हैं। ये मुझे बोलते हैं कि दीपक भाई हमें 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए, आप कितना चार्ज करेंगे और कब तक व्यूज़ दे देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनसे वीडियो को एक अनलिस्टेड करवा लेता हूँ, उस अनलिस्टेड वीडियो की लिंक लेके मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट से इनका एड कैंपेन लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं इनको बोल देता हूँ भाई मैं ना 70,000 रुपीज़ लूँगा 1 मिलियन व्यूज़ के, और 70,000 रुपीज़ के अंदर 1 मिलियन व्यूज़ इनको डिलीवर करता हूँ और मेरा जो चार्जेस आता है जो मुझे पड़ता है लगभग 55 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में मुझे खुद का खर्चा आता है। तो एक क्लाइंट के पीछे मुझे 10,000 रुपये का बेनिफिट रह गया। अब मान लीजिए 1 महीने के अंदर मान लीजिए सिर्फ ऐसे 3 क्लाइंट से आते हैं तो आपके महीने कितने पैसे बन गए, 30,000 रुपये बन गए, और आराम से 2-3 क्लाइंट्स तो आराम से आ जाएंगे आपको 1-1 मिलियन व्यूज़ के। अब इन क्लाइंट्स को लेके कैसे आना है, कैसे इनको ढूंढना है, ये भी आपको सिखाऊंगा फेसबुक ऐड से, गूगल ऐड से, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है, ये तो बस एक व्यूज़ एक ही तरीका था पैसे कमाने का। इसके आगे आप सेल्स भी जनरेट करा सकते हो जिसके अंदर आप परसेंटेज के तौर पर उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो, जैसे मैं 10% चार्ज करता हूँ अगर कोई सेल जनरेट होती है तो, ठीक है, मार्केटिंग का खर्चा निकाल के। आप चाहे तो उनको व्यूज़ बेच सकते हैं, ये बता दिया मैंने, सेल्स जनरेट करा सकते हो कमीशन के तौर पे, ठीक है। इसके साथ साथ में आप उनको अपने यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइबर्स गेन करके भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गूगल एड से अचीव कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। तो अगर आपको ये सब चीज़ सीखनी है तो ईमानदारी से आपको मुझे इस वीडियो के नीचे 200 लाइक्स देने पड़ेंगे, ठीक है, 200 लाइक्स चाहिए और कम से कम मुझे 100 कमेंट्स चाहिए यस में। आप यस बोलिए, मैं जस्ट 2 दिन के बाद ही इस सीरीज़ को शुरू कर दूंगा। लगभग 8 या 9 वीडियो की सीरीज़ आएगी जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा
क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना है, कैसे उनसे पैसे निकलवाने हैं, ठीक है। और मंथली कम से कम गूगल एड्स अगर आप सीख जाओगे ना, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, तो आप आराम से मंथली के 30-40,000 रुपीज आराम से कमा सकते हो दोस्तों। मैं खुद कमाता हूँ, ये वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड कार्ड्स में, यहाँ पे आई बटन में, हर जगह ये वीडियो आपको मिल जाएगा। देखें, समझे और अपने दिमाग चीज़ें बिठाएं और काम करना शुरू करें, ठीक है। फटाफट से इस वीडियो को 200 लाइक्स दें, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और फटाफट से मुझे कॉमेंट करके बताएं आपको नीड है या नहीं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।